तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हरीश परमार आर्मी की बायोग्राफी के बारे में, जो कि आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर के बॉर्डर के ऊपर जो आतंकी अटैक हुआ था उसके अंदर हमारे गुजरात के हरीश परमार शहीद हो गए हैं। तो उसके बायोग्राफी के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता कि यहाँ पे किसी को भी यहाँ पे उनकी बायोग्राफी के बारे में नहीं पता, जैसे कि उनका फुल नेम क्या है, उसके फादर का नेम क्या है, उसके मदर का नेम क्या है, उनके ब्रदर कितने हैं, उनका नाम भी क्या है, उनकी वाइफ थी या नहीं, वो कौन से विलेज से कौन से गांव से वो रहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, साथ में यहाँ पे उनकी एज कितनी थी और कब से वो आर्मी ज्वाइन की थी, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे उनका पूरा बायोग्राफी आपको जानने को मिलने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे हरीश परमार आर्मी की यहाँ पे जो अंतिम यात्रा जो थी उनका पूरा वीडियो बनाया है। यहाँ पे जो कपड़वन से लेके यहाँ पे उनका जो गांव था वंजारिया, वहाँ तक उनका जो यहाँ पे जो लास्ट यहाँ पे अंतिम यात्रा जो निकली थी उसका पूरा वीडियो मैंने यहाँ पे बनाया, और वो उस वीडियो पे यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने उनको देखा है और काफ़ी अच्छा आप सबका कमेंट के अंदर यहाँ पे रिस्पांस मिला है और बहुत ही अच्छा आपने कमेंट किया है। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में मिलेगा, साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी आपको मिल जाएगा, तो वो वीडियो देख लेना। अगर आपने हरीश परमार आर्मी के जो अंतिम संस्कार है वो अगर नहीं देखा है तो देख लेना। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे हरीश परमार की बायोग्राफी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि उनका नाम था हरीश और उसका सरनेम था परमार, और उनके फादर का नाम थे राजसी परमार, उनके ग्रैंडफादर का नाम था अमराबाई परमार, उसके मदर का नाम था मंजूबेन परमार, और उनका एक छोटा भाई था जिनका नाम था सुनील कुमार परमार। और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे उनकी जो वाइफ थी, लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनकी वाइफ भी है, लेकिन उनकी वाइफ नहीं है, उनकी सगाई की थी लेकिन उनका अभी नाम पता नहीं चला है, यानी कि उन्होंने अभी शादी नहीं की थी, शादी वो करने ही वाले थे धामधूम से लेकिन लॉकडाउन की वजह से नहीं की थी। अब दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि उनका गांव का नेम क्या था, यानी कि उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और उनकी एज कितनी थी। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि गुजरात स्टेट के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के कपड़वन तालुका के वंजारिया गाँव का उनका जन्म हुआ था और उनकी एज थी 25 यानी कि 25 ईयर। अब दोस्तों यहाँ पे जान लेते हैं कि हरीश परमार ने आर्मी ज्वाइन कब की थी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि 2500 पॉपुलेशन वाला वंजारिया विलेज से 2016 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की थी और उसके कुछ साल बाद उनकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे हाल ही में जो आतंकी अटैक हुआ जम्मू कश्मीर के मार्शल सेक्टर के अंदर, तब उनको 16 अक्टूबर को वो शहीद हो गए थे। फिर इसके बाद 4 दिन बाद उनका जो शव था, उनकी जो बॉडी थी, उनको यहाँ पे उनके गांव वंजारिया कपड़ौंज में लाया गया और उनकी अंतिम यात्रा 19 अक्टूबर को हुई और उनका अंतिम जो संस्कार होता है वो भी यहाँ पे 19 अक्टूबर उनके गांव के अंदर किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जाना हरीश परमार आर्मी के बायोग्राफी के बारे में, और यहाँ पे मैं हरीश परमार के लिए यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ कि मुझे गर्व है हरीश परमार जैसे जवानों की, जो लोग अपने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। और लास्ट में मैं यहाँ पे एक लाइन बोलना चाहूँगा कि किसी फौजी ने सच ही कहा था कि तेरी बारात से अच्छा तो मेरा जनाजा होगा, पहले सिर्फ सुना था आज देख लिया कपड़वंज में। तो बस दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था, और हो सके तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करना ताकि सबको हरीश परमार आर्मी के बायोग्राफी के बारे में पता चल सके कि वो कौन थे, उनका नेम क्या था, उनका भाई कितने थे, वो सब कुछ उनको सबको पता चल सके। इसलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करना और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। साथ में यहाँ पे अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी, और इसी तरह वीडियो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहूँगा। और यहाँ पे नीचे रेड कलर के जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जय हिंद, जय भारत।